दिल्लीवासी मिलला विश्वर सबुठारु बड़ कोविड केयर सेंटर। लोकार्पित हला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। रविवार कोरोना लड़ाई दिगरे दिल्लीवासी गुरुत्वपूर्ण रही है। गोटेपटे 10,000 शय्या विशिष्ट दुनिया सबुठारु बड़ कोविड केयर सेंटर उद्घाटित होता बेले, अन्यपटे डीआरडीओ द्वारा प्रस्तुत कर 1,000 शय्या विशिष्ट कोविड हस्पिटाल को लोकों पर खोल जाए। दिल्लीर उपराज्यपाल अनिल बैजल एही केयर सेंटर को उद्घाटन करिसेंति। दिल्लीर छत्रपुर ठारे राधास्वामी सत्संग व्यास रे निर्मित होइतबा कोविड केयर सेंटर परिचालन दायित्व आईटीबीपी डाक्तरी टीम को दिया जाइछि। एही केन्द्र रे अल्प लक्षण एवं लक्षण नथिबा रोगी को चिकित्सा करा जिवो। घरे पृथकवास रो सुविधा नथिबा लोकन को एठारे रखी चिकित्सा करा जिवो। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए खुशी की बात है वो ये है, तो चाहे वेंटिलेटर्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, स्पेशलाइज्ड बेड्स हैं, सबका सब सामान जो है वो मेक इन इंडिया है। तो डॉक्टर्स बेहतर क्वालिटी के और डॉक्टर्स नर्सेज जो आर्मी के लोग हैं वो इसको कम्प्लीटली मैनेज कर रहे हैं। एयर प्रेशर मैनेज किया जा रहा है कि कंटेमिनेशन बाहर ना जाए। अलग एसटीपी प्लांट लगाया गया, पूरा अपने आप में शहर खड़ा कर दिया है। सपोर्टेड डीआरडीओ द्वारा निर्माण करा जाइतबा कोविड हॉस्पिटल को रविवार लोकों पर खोला जाए छे। 11 दिन रेकर्ड समय मध्य डीआरडीओ हॉस्पिटल को निर्माण कर छे। रविवार केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ गस्त करते। हॉस्पिटल 250 आईसीयू बेड रही। इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर निकट रे प्रतिरक्षा मंत्रालय जमि में यह 11 दिन मध्य निर्माण कर। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ पदक्षेप को स्वागत करते। सेपटे दिल्लीर मुख्यमंत्री कहते राज्य में कोरोना संक्रमित संख्या में वृद्धि घटे तबे ही सज्जा गुड़िक दिल्ली पर महत्वपूर्ण सब्यस्त हो। डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाटा सन्स इंडस्ट्रीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। खासकर जो 250 आईसीयू बनाए गए हैं, जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर आईसीयू में ले जाना पड़ता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल बेड्स की भी अभी फ़िलहाल कमी नहीं है। आज मैं अभी देख के आ रहा हूँ 15,500 हमारे पास टोटल कोविड बेड्स हैं, जिसमें से 5,300 केवल ऑक्यूपाइड हैं। आईसीयू बेड्स की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर स्पाइक आता है तो आईसीयू बेड सबसे क्रिटिकल होंगे, तो ये आईसीयू बेड्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। डीआरडीओ कोरोना से लड़ने मेड इन इंडिया रे अबे सुधारू 70 रो अधिक उत्पाद निर्माण करिछे। आवश्यक स्थले डीआरडीओ प्रतिमास 25,000 वेंटिलेटर प्रस्तुत करिपारिबो बोली संस्था पक्षरु कहा जाइछे। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्गस.इन।